नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजीबी इंडिया में। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़ी खुशी व राहत की खबर है जो केजीएमयू लखनऊ में स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं या फिर केजीएमयू में स्टाफ नर्स के पद पर ज्वाइनिंग पाने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, सभी महत्वपूर्ण अपडेट वो विश्वसनीय जानकारी पाने के लिए। दोस्तों, वर्ष 2016 में 10 मंजिला केजीएमयू नर्सिंग हॉस्टल भवन का निर्माण शुरू हुआ था जो कि संरक्षित रेजिडेंसी भवन के पास ही है। इन्हीं कारणों से एएसआई ने इसका निर्माण कार्य रुकवा दिया था, किंतु राज्य सरकार की सक्रियता तथा केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से आपत्ति का निस्तारण हो गया है। फिलहाल भवन 10 मंजिला बना हुआ है, बाकी के रुके हुए कार्य भी जल्द पूरा होने की उम्मीद है। नर्सिंग हॉस्टल की फिनिशिंग कार्य कराकर जल्द ही केजीएमयू को हैंडओवर कर दिया जाएगा। आशुतोष कुमार द्विवेदी, कुल सचिव केजीएमयू के अनुसार, मुख्य सचिव के प्रयास से नर्सिंग हॉस्टल भवन पर लगी आपत्ति अब दूर हो गई है। आपत्ति हटने के बाद एक बार फिर से इसका काम शुरू हो सकेगा। उम्मीद है कि जल्द ही केजीएमयू को यह भवन मिल जाएगा। दोस्तों, वर्ष 2016 में इस भवन का निर्माण केजीएमयू नर्सिंग हॉस्टल के नाम से शुरू हुआ था। यह इमारत केजीएमयू नर्सिंग स्टाफ को देने की योजना है। यह भवन केजीएमयू परिसर के पास ही है जिससे इमरजेंसी होने पर स्टाफ नर्स तुरंत उपलब्ध हो सकें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।